Hello, good morning students. Yesterday we have completed first and second question answer of exercise D of lesson 4 and today we will see next question. Question number 3. Now let us see. Where was the second man carrying the bundle of grass and why? Where was the second man carrying the bundle of grass and why? दूसरा व्यक्ति घास के गट्ठर को कहाँ ढो रहा था और क्यों? कैरिंग ले जा रहा था या ढो रहा था, किस जगह पे, कहाँ पर? ना सीधा आंसर, द सेकेंड मैन वॉज कैरिंग द बंडल ऑफ ग्रास ओवर हिज हेड सिटिंग ऑन द हॉर्स. दूसरा व्यक्ति घास के गट्ठर को अपने सिर पर ढो रहा था सिटिंग ऑन द हॉर्स, जो कि घोड़े पर बैठा था. एंड वाई? बिकॉज द हॉर्स वॉज ओल्ड, क्योंकि उसका घोड़ा बूढ़ा था. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बर्डन हिम फर्दर, और वो अपने घोड़े पर उस घास के गट्ठर का अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो घोड़े पे स्वयं बैठा था पर उसने घास के गट्ठर को अपने सर पर रखा हुआ था जिससे कि उसका भार उसके बूढ़े घोड़े पर ना पड़े. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द मैन नियर द रिवर लुकिंग फॉर? What was the man near the river? नदी के पास जो व्यक्ति था वो क्या खोज रहा था? Okay, सीधा आंसर, the man near the river was looking for his lost ring. व्यक्ति जो नदी के किनारे था वो अपनी खोई हुई अंगूठी को खोज रहा था. अंगूठी जो खो गई थी उसको वो वहाँ पर रेत में, बालू में खोज रहा था. ओके, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द थर्ड मैन इंसिस्ट ऑन कीपिंग हिज आर्म्स आउट स्ट्रेस्ड? आउट स्ट्रेस्ड यानी खुला हुआ, दोनों भुजाएं फैली हुई. तो जो तीसरा व्यक्ति था उसने अपने भुजाओं के खुला रखने पर जोर क्यों दिया है? क्यों वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों से उसे पकड़कर उठाया जाए, और उसने अपनी जो भुजाएं थी, हाथ थे, उसने खींच कर रखे थे, खुले रखे थे, तो वो क्यों नहीं चाहता था कि उसके हाथों से उसे उठाया जाए? मतलब वो क्यों इस बात पे जोर दे रहा था कि उसकी भुजाएँ वैसे ही खुली रहें? उसके पीछे रीज़न क्या था? द मैन इंसिस्टेड बिकॉज He wanted to give his carpenter. Carpenter means बढ़ई. The measurement माप for a new cupboard. Cupboard means अलमारी. The man insisted means बाध्य करना, जोर देना किसी चीज पे. The man insisted. वो जोर दे रहा था. क्यों? Because he wanted to give his carpenter the measurement for a new cupboard. क्योंकि वो अपने बढ़ई को नाप या माप देना चाहता था नई अलमारी का, जो उसने अपने खुले हुए हाथों से लिया था. मीन्स अपनी नई अलमारी की चौड़ाई का माप उसने अपने हाथों से लिया था, इसलिए उसने अपने हाथ को खींच करके रखा था, फैला करके रखा था, और वो अपने बढ़ई को उस नई अलमारी की माप देना चाहता था, इसलिए वो जोर दे रहा था कि उसके हाथ को बिल्कुल छुए नहीं, उसके हाथ उसी तरह से खुले रहें. ओके, सो हियर 3 क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू टुडे इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. ओके, एंड टुमारो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, थैंक यू.